सिलेंडर में जो फायर होता है तो बोलते हैं ना कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि फायर अंदर गया या नहीं गया, तो वो बहुत रेयर केसेस होता है कि जो सिलेंडर के अंदर आग लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इसका है जो गैस का जो एलपीजी का प्रेशर इतना ऊपर होता है कि वो बाहर जाता है। बाय चांस 1% है, जो जैसा इन्होंने बताया कि यदि आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इसको सीधा पलटिए और पानी में है जो डाल दीजिए। पानी नहीं है, गाँव में है, गाँव के एरिया है, ड्रेनेज है, नाला है, नाली है, उसमें डाल दो, तो एक तो आपका सिर्फ गैस है जो लॉस होगा और है जो ब्लास्ट होने से बचेगा। यदि ब्लास्ट होगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह है जो बम फटता है ना उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसको, और जहाँ भी जाएगा वो बहुत ज़्यादा डैमेजेज होगा। प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हो रहा है यहाँ 22 से 24 तारीख तक, आप सबको पता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े जगहों से, विदेशों से बड़े विशिष्ट गणमान्य आएंगे, तो उनकी सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के लिए, लाइफ सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि सभी बड़े बड़े होटलों में वहाँ के स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए तथा मॉक ड्रिल करा के उनको आने वाली जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं उस पर कैसे निपटना है उस पर हमारी सहायता करें, और जो उनके यहाँ गेस्ट आए उनको कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए हम यहाँ पर मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी सारे होटलों में देना है या नहीं? अभी हमने सारे होटलों में, छोटे होटलों में दे दिया था, अभी बड़े होटल्स बचे हुए हैं। इन बड़े होटल्स में जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, गेस्ट ज़्यादा होते हैं, और उन गेस्ट को निकालना और समय पर उनको सुरक्षित बाहर करना और अग्नि से उनको बचाना ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अब हमने शुरू किया है जिसमें हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊँचे तलों से लोगों का रेस्क्यू करना एवं जो स्टाफ है उसको भी फायर के समय पैनिक ना हो और अपने बचाव के साथ आने वाले विशिष्ट गणों का भी बचाव कर सके, इस मामले में प्रशिक्षित किया जा रहा है।